नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी के बाबा के बाद अब एमपी के मामा का बुलडोजर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रहा है। मध्य प्रदेश में बीते दो दिन में 8 अपराधियों के घरों को बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। रायसेन और श्योपुर से लेकर सिवनी तक प्रशासन का ऐसा बुलडोजर चला है कि संबंधित आरोपी शायद आगे अपराध करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा। रायसेन की अलग अलग घटनाओं में पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 13 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराध और अपराधियों को लेकर सीएम शिवराज की ऐसी सख्त हिदायत है कि निर्देश मिलते ही घंटे भर के अंदर प्रशासन का अमला कार्रवाई करने पहुंच जा रहा है। रायसेन में जहां हिंसा करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की गई, वहीं श्योपुर में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के ठिकानों को गिरा दिया गया। सिवनी में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिली। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त रुख के बाद अब गुंडे मवाली और अपराधियों पर मध्य प्रदेश पुलिस और प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जहां जहां भी अपराध होते हैं वहां न सिर्फ तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके घरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भेजकर कार्रवाई भी की जा रही है। मामा के इस एक्शन का असर भी नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में अब बड़े अपराधों की संख्या में तेजी से कमी आई है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि सीएमओ ने सिवनी में दुराचार की घटना को लेकर ट्वीट के जरिए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। साथ ही ट्वीट में इसका भी जिक्र किया कि समाज में गंदगी फैलाने घिनौनी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्माने लगी है। कांग्रेस का दावा है कि साल 2018 में कमला सरकार ने शुरू किया था तोड़ फोड़ अभियान, उसका श्रेय अब शिवराज सरकार ले रही है। दावे चाहे जो भी हो, मामा का बुलडोजर असर दिखाने लगा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात, खास मेहमान भी होंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले सुनिए इस पर सियासत कैसे गर्मा रही है। किसी भी उस अराजक तत्व को जो कि समाज में अराजकता फैलाते हैं, उसको मध्य प्रदेश में किसी भी तरह अपनी हरकत करने की परमिशन नहीं मिलेगी। विगत दिनों यदि किन्हीं अराजक तत्वों ने समाज की माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, वो सब जेल में है और उसके साथ साथ उनकी जो इल्लीगल प्रॉपर्टी है उसको भी जमींदोज किया गया है। बुलडोजर चलाकर इस बात को स्थापित किया गया है कि ऐसे तत्व मध्य प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, समाज में अराजकता पैदा करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, उनको इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे लोग यदि आगे भी हरकतें करेंगे तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं मानता कि यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। यूपी से काफी पहले 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब माफिया पर कड़ी कार्रवाई होने की प्रक्रिया शुरू हुई और उसी का अनुसरण माननीय शिवराज सिंह चौहान आज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे दूध के मिलावटखोर हो, चाहे दवाई माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, किसी को कमलनाथ सरकार ने बख्शा नहीं था। ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जिस पर कमलनाथ सरकार का अनुसरण करती हुई शिवराज सरकार आज दिखाई दे रही है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि विगत 17-18 वर्षों से आप इस मध्य प्रदेश पर राज कर रहे हैं, इस पर इसमें ये कार्रवाइयां पहले क्यों नहीं हुई? ये माफिया आप ही के राज में तो पल पाए, अगर ये कार्रवाई पहले शुरू हो जाती है तो शायद ये माफिया आज मध्य प्रदेश में सिर ना उठा पाता। तो आपने सुना, दरअसल विश्वास सारंग ये कह रहे हैं कि अब माफिया और अपराधियों की नहीं चलेगी मध्य प्रदेश में, कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों के जो अवैध निर्माण है उनको ध्वस्त कर दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में अपराधी अब नहीं रहेंगे। अपराधमुक्त मध्य प्रदेश बनाने की बात विश्वास सारंग करते हुए नजर आए। उधर व्यांग कुंगल को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि इतनी देरी क्यों, पहले क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ राजावत हैं, सिद्धार्थ जी आपका स्वागत है। बीजेपी से प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा हैं, प्रहलाद जी आपका स्वागत है। शुरुआत प्रहलाद कुशवाहा जी आप ही के साथ में कर रहा हूं।
अब बुलडोजर बाबा की बात बुलडोजर मामा आ गए हैं। कैसे एक्शन ले रही है सरकार और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ, कांग्रेस तो सवाल उठा रही है इस पर। प्रहलाद जी आपको आवाज मिल रही है हमारी, अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। प्रहलाद जी बोलिए सर, आपकी आवाज सुन रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो। हेलो जी, हेलो, अब आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो, देखिए निश्चित तौर पर जब से मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ने मध्य प्रदेश की सत्ता जनसेवा के लिए संभाली है, तो उनका एक बहुत ही क्लियर विजन रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर जो डाकुओं की समस्या रही है, आज मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा जहां पर डाकुओं की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार के अपराध रहे हों, चाहे वो नाबालिग बच्चियों के साथ जिस प्रकार का बीच में आपने सुना था कि बहुत सारे अपराध की ऐसी घटनाएं घटी, तो वहां पर भी ऐसा कानून बनाए कि जो भी ऐसी असामाजिक और अमानवीय घटनाओं को अंजाम देगा उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार उनके ऊपर कड़ा कानून लाएगी, कड़ा कानून लेकर भी आए और उसमें कई ऐसे जघन्य अपराधियों को फांसी की सजा भी दी गई। और अभी आप कुछ समय पहले निश्चित तौर पर जो भी अब घटना हुई है और जो शिवपुर में और विभिन्न स्थानों पर, जैसे अभी आदिवासी बालिका के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने जो जघन्य अपराध किया है, तो निश्चित तौर पे उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। सजा मिली भी, शिवराज जी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया और निश्चित तौर पे उनपे घर भी तोड़े जाएंगे, जो अवैध होंगे, अवैध संपत्ति होगी उनको भी, हर तरीके से उनको सबक सिखाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और आने वाले समय भी अगर इस तरह का कोई भी सर उठाता है अपराधी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी कांग्रेस कह रही है बड़ी देर से आई सरकार, वो तो जब जगेंगे तभी उनको नजर आएगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ जी, कांग्रेस पार्टी के तरफ से नेता ये भी कह रहे हैं कि साहब ये कमलनाथ लेकर आए थे तोड़फोड़ वाला अभियान और इसका श्रेय बीजेपी ले जा रही है, कार्रवाई क्या कमलनाथ सरकार में बुलडोजर के जरिए शुरू हो गई थी और ये जो श्रेय लेने की होड़ है एक बार फिर से क्या आपको नजर आ रही है? सिद्धार्थ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए। देखिए बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, जनता ने 2003 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, तब ये बोले थे स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर बोले विकसित मध्य प्रदेश, फिर बोले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अब आज मेरे मित्र सामने बैठ के कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह जी अपराध के खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे 18 वर्ष से आपकी सरकार थी, अभी अभी एक साल पूर्व नेमावार में पूरे परिवार की बच्चियों को मार के, उनके मां को मार के 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। उससे एक हफ्ते पूर्व मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आज मामा बड़े मूड में है, किसी माफिया को नहीं छोड़ेगा, 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देंगे। और शिवराज सिंह जी का कार्यकर्ता, जो शिवराज सिंह के विधायक का, भाजपा के विधायक के बड़े बैनर पोस्टर पूरे नेमावार में लगे थे, उन्हीं का कार्यकर्ता उनको मार के 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ देता है। और बड़ा दुर्भाग्य कि शिवराज सिंह मामा, जो मामा बोलता है अपने भांजियों भांजों के लिए, शिवराज सिंह जी वहां पे जाते नहीं है, संज्ञान नहीं लेते हैं। झाबुआ के अंदर एक आदिवासी बच्ची को पेड़ पे लटका के 40 लोग मारते हैं, तब हमारा मामा ज्ञान नहीं लेता, ना ध्यान देता है। और जब बात आती है राजनीति की या छपास की, विज्ञापन की, तब मामा बड़े बड़े विज्ञापन छाप देते हैं कि हम न्याय के लिए ये कर रहे हैं। वो ये भूल गए जिस समय पे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनकर आए थे, शुद्ध का युद्ध, ई टेंडरिंग के खिलाफ, जितने माफिया थे, दूध माफिया, शराब माफिया, भू माफिया, सबके सबों की जमीनों को जमींदोज करके उनको जेल के अंदर भेजा था। आज उसी मॉड्यूलर पे चलते हुए शिवराज सिंह जी ने उसी को एक्सेप्ट करते हुए उसी पे कार्य, यानी आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है? अभी वो कार्य कर रहे हैं और बात करते हैं। सिद्धार्थ जी अभी आप मान रहे हैं कि बीजेपी 18 वर्ष से सरकार अभी सही काम कर रही है, किसकी रंग पे बना पड़ा था? और आज आप उस पर सर्वे करा लें, 80% जो माफिया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलेंगे, जिनके पास स्कूटर नहीं था वो आज मर्सिडीज, रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं भाई, जिनकी कोई औकात नहीं थी उनको बड़ा बड़ा धन्ना सेठ बना दिया माफियाओं का। सिद्धार्थ जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? मध्य प्रदेश में कितने लोग शराब से मर गए,
कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया कि प्रदेश की जनता बेहाल हो रही है? सिद्धार्थ जी आपको मेरी आवाज सुन रही है क्या? और जो दो नंबर की शराब आ रही है, नकली शराब आ रही है, उस पर कभी उन्होंने संज्ञान नहीं लिया? अरे सबसे पहले आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी इस पे आवाज उठाती है तो बोलते हैं कि पत्थरबाजों का कोई काम नहीं है। अरे आप उनका उनको बुलाएं, उनको निमंत्रण दें और पूछे कौन भूमाफिया, कौन शराब माफिया है, शराब बंद भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत लंबी फहरिस्त है जो माननीय कमलनाथ जी ने शुरू किया था, उसकी उसी पे मॉड्यूलर पे चलते हुए शिवराज सिंह जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। चलिए सिद्धार्थ जी आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है जी। सिद्धार्थ जी मैं ये पूछ रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं कि अब बीजेपी सरकार जो काम कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि वही काम आप भी कर रहे थे, आपने शुरू किया था। देखिए अवश्य अगर माननीय कमलनाथ जी की जो दूरदर्शिता थी, उनकी जो सोच थी, जो वो प्रदेश को एक खुशहाल प्रदेश बनाना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो पूरे हिंदुस्तान में अव्वल नंबर पे लाना चाहते थे, अगर उस पे माननीय कमलनाथ जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं तो उसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी को भी एक लिस्ट बनानी चाहिए जिनका जिक्र आप कर रहे थे अभी। सिद्धार्थ जी अभी अभी जिन अभी जिन केसेस का जिक्र आपने किया, मुझे लगता है कि विपक्ष में होने के नाते आप लोगों को भी अब लिस्ट बनानी चाहिए और वो लिस्ट आप पकड़ाएं बीजेपी को कि साहब करिए कार्रवाई। देखिए इससे पूर्व भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कईयों बार इनको चेताया, कईयों बार आप देखिए 400 किलोमीटर दूर नेमावार से चल के जो आदिवासी बच्ची वो आई तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने मिलने से मना कर दिया। वो बच्ची पीड़िता थी, उसके घर परिवार के 8 लोगों को सॉरी क्षमा चाहता हूँ 4 लोगों को गड्ढे में गाड़ दिया था। फिर आपने देखिए गुना के अंदर एक दलित बच्ची के संग बलात्कार हुआ और अभी आप आज देखिएगा भिंड के पास एक जगह है वहां पे 7 साल के बच्चे का गला रेत के हत्या कर दी गई। ठीक है सर, देखिए अपराध अपराध है, चाहे वो दलित बच्ची के साथ हो या फिर सवर्ण बच्ची के साथ हो, अपराध अपराध है, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। अगर कोई आरोपी है तो उसका भी कोई धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए। खैर जवाब मैं आपका लेता हूँ प्रहलाद जी से, अब चलिए मैं आपका जवाब ले लेता हूँ। प्रहलाद जी ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये आगे बढ़ेगी क्या? और जिन केसेस का जिक्र अभी सिद्धार्थ जी कर रहे थे प्रहलाद जी, उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए मुझे जो केसेस अभी सिद्धार्थ जी गिना रहे थे उन पे सारे केसेस पे कार्रवाई हुई है। और जिस बालिका की बात कर रहे थे कि वो नेमावर से चल के भोपाल आई, इनको संज्ञान में होना चाहिए कि हमारे सांसद ने जाके वहां सबसे पहले वो मिलने वाले हमारे डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी साहब थे। माफ कीजिए झूठ मत बोलिए प्रहलाद जी, उन बच्चों पे डरने की आपकी है बच्ची क्या? आपकी बात सुनने का अरे सिद्धार्थ जी आप सीनियर आदमी है, झूठ नहीं बोलिए, मैं भी बोलूंगा, झूठ नहीं बोलिए, मैं भी बोलूंगा बीच में, मैं भी बोलूंगा उस समय पे, मैं भी था। आपने यहाँ पे झूठ परोसने का काम किया है, बसों में भर के 70 किलोमीटर दूर छोड़ा गया हो रही है तो आप उसमें रोटी लेने आ जाते हैं? झूठ मत बोलिए, आपने जिस प्रकार से आपने झूठ परोसने का काम किया है और कमलनाथ जी के आपको बात करते हैं, कमलनाथ जी कलंक और यहाँ पे बंटाधारी का यहाँ पे आपने गुणगान किया है, आपके दिग्विजय सिंह बंटाधार के नाम से प्रसिद्ध थे, कमलनाथ जी कलंकनाथ है वो। आपने जिस प्रकार से जनता के कल्याणकारी योजनाओं को जिस तरह से कमलनाथ जी ने बंद किया था और जिस प्रकार से जो छलावा करके झूठ करके जिस प्रकार मध्य प्रदेश की सत्ता में आए थे, हम युवाओं को रोजगार वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, हम आपने उसमें क्या किया, बरगलाया युवाओं को, बरगलाया किसानों को, आपने डिफॉल्टर बनाया। और आप सुन लीजिए, आपने संबंधित योजनाएं बंद करी और पीएम आवास जैसी योजनाओं को आपने बंद किया, आपने ग्रांट नहीं दिया जिसके नहीं आया है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए, ठीक है प्रहलाद जी हो गया आपका कमेंट, अब मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूँ उसका, ठीक है, चलिए ठीक है सर, हो गया सर, अब हो गया, ठीक है सर, थोड़ा धैर्य रखिए दोनों लोग, थोड़ा धैर्य रखिए सर, हो गया सर, ठीक है, ठीक है प्लीज। राजनीति करते हैं कोरोना काल में कितने सबों पे राजनीति की शिवराज, अरे एक रोटी नहीं जिसने बाटी जिन कांग्रेसियों ने, आपने वो बात को भी कोरोना काल की काल में एक को भी आपने मुआवजा नहीं दिया, चुपके थे, भीगी बिल्ली बने हुए घरों में चुपके थे ये कांग्रेस कोरोना काल की बात ना करे। एक मिनट सर प्लीज शांत हो जाइए दोनों लोग,
सिद्धार्थ जी और प्रहलाद जी आप लोग शांत हो जाइए सर, प्लीज प्लीज दोनों से दरख्वास्त कर रहा हूं मैं, शांत हो जाइए। राजाबाद जी, कुशबाज जी, प्लीज प्लीज सर शांत हो जाइए, ऐसे आपस में वहां झगड़िए प्लीज, एक एक करके अपनी बात को रखिए। अब सवाल मेरा सिद्धार्थ जी आपसे है और मुझे उम्मीद है कि प्रहलाद जी आप पूरी बात सुनेंगे सिद्धार्थ जी की, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थ जी सवाल यह है कि अब जब बुलडोजर मामा की छवि बन रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात का कहीं ना कहीं डर है कि हमारा जनाधार खिसकेगा, क्योंकि जो बीजेपी की स्थिति रही है अभी हाल ही में हुए चुनावों में, उससे कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत कितना कर रही है ये आपको समझने की जरूरत है। कार्रवाई पर अगर आप सवाल उठाएंगे तो सवाल आपके ऊपर ही उठेगा फिर। देखिए भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है 2023 उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही जय घर चलो घर घर चलो और जन जागरण अभियान है, जिसमें हमको भारतीय जनता पार्टी की जो 18 वर्ष की जो विफलता है और इन्होंने जो झूठ परोसा था, इनका जो मैनिफेस्टो था, इनके जो मैनिफेस्टो में जितनी भी बातें कही थी जैसे लाडली कन्यादान उसमें कितना बड़ा झूठ परोसा गया था, और जो बच्चियों को स्कूटी देंगे उसका जो प्रावधान था उसमें बजट जो 60% केंद्र से आता है 40% राज्य शासन देती है, इन लोगों ने सारी चीजें ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आपकी सारी बात को एग्री कर रहा हूँ। देखिए हम जनता तक पहुंचा विकास के लिए योजनाएं सरकारों को चलानी पड़ती है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी परेशान क्यों है बुलडोजर की कार्रवाई से। सिद्धार्थ जी कांग्रेस पार्टी की परेशानी क्या है सर, कार्रवाई हो रही है आप कह रहे हैं कि ये सही है तो कहिए सही है फिर। सिद्धार्थ जी आप कहिए ना सही है, अगर आप कह रहे हैं कि ये कमलनाथ भी कर रहे थे उन्होंने ही शुरू किया था तो कहिए कि सही है, आप सवाल क्यों उठा रहे हैं फिर। और जो 6 माह का राशन जो माननीय सिद्धार्थ जी दिया था, आपकी सारी बातें मैं मान रहा हूँ, लॉकडाउन के समय में मेरी बात सुनिए सर, तो गरीब जानती है तो उनका भला कौन करना चाहता है और कौन उनको छल कपट पाप से सिर्फ वोट लेना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री का एक ही नारा है कि आप झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलो और उसको कैसे भी सत्य में परिवर्तित करो और अपना चेहरा चमकाते रहो। ठीक है, सारी जो राशि आ रही है सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी 40% हमारी स्टेट की, थोड़ा मुझे भी मौका दीजिए बोलने का, विज्ञापन पे खर्च किया जा रहा है सात अभी करीब 70 घोषणाएं ऐसी हैं जो आपको आवाज आ रही है क्या मेरी, केंद्र से 1 रुपया नहीं आया और सिद्धार्थ जी आप मुझे क्या सुन पा रहे हैं, नहीं कोष है उसमें पैसा है नहीं, 2,75,000 करोड़ के हम कर्जे में सर, थोड़ा मुझे भी मौका दीजिए अगर सुन पा रहे हैं तो। सिद्धार्थ जी तो हम कभी 3,00,000 करोड़ के कर्जे में पहुंच चुके हैं, जब आप कर्जे में हैं उसमें से 20% आपका ब्याज में चला जाता है तो आप ये बताइए कि आप जनहित सेवा कैसे करेंगे। सिद्धार्थ जी आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी मिल रही है सर, थोड़ा मुझे भी मौका दीजिए बोलने का, नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कार्रवाई कर रही है शिवराज सरकार बुलडोजर के जरिए और आप भी कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तो इसको आप सही क्यों नहीं मान रहे हैं, बस छोटा सा मेरा सवाल है। मैं मेरी बात सुनिए, इसमें सही और गलत नहीं होता, आप इसमें न्याय की बात कीजिए, आप इसमें सबसे पहले हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री है आप उनको गृह मंत्री जी को बुलाइए, सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है पहले आप उसको सुधारिए, आप एक छवि बनाने के लिए आप एक जगह चलिए ठीक है, ये आपका सवाल लेकर अब मैं जा रहा हूँ प्रहलाद जी के पास, चलिए आप जवाब ले लेते हैं इसका, ठीक है ये आपका वाजिब सवाल है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, ठीक है चलिए ठीक है, आप समय थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा आप धैर्य रखिए, हम आपकी उसमें कहीं से कहीं तक तो ही नहीं लगाएंगे आपके उसमें आपके, ठीक है अब हो गया सर आपका हो गया प्लीज, कार्रवाई करके उसको मेरे पास लाजी से आप जवाब भी ले लीजिए इसका, लाजी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर करना सबसे पहले प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ जी हो गया, प्लीज डाउन करिए सिद्धार्थ जी का ऑडियो, लाजी जवाब दीजिए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जब कानून की रक्षा, कानून के हिसाब से जब भी काम होता है, जो भी कोई इस तरह के माफियाओं पर कार्रवाई होती है, सबसे पहले हमारे कांग्रेसी मित्रों को दर्द होता है, तो होगा भी, स्वाभाविक सी बात है, वो तो जीवन भर यही करते आए हैं, इनके ऑलरेडी जो अब मान के चलिए कि अगर जन कल्याणकारी योजनाएं हैं अगर उनका भी काम हो रहा है और अपराधियों पर दूसरी तरफ एक कार्रवाई भी हो रही है, ठीक है जिस तरह से जघन्य अपराध, चलिए ठीक है हम उम्मीद करेंगे सर, अगर अपराधियों पर कार्रवाई की बात है तो होनी चाहिए और ये कांग्रेस भी इसका सम्मान कर रही है। देखिए सिद्धार्थ जी भी कह रहे थे, सिद्धार्थ जी बताइए बहुत जल्दी से कह रहे हैं ना अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
अवश्य होनी चाहिए, अपराधियों पर निष्पक्ष होनी चाहिए। चलिए निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए प्रहलाद जी, उम्मीद आप यही कर रहे हैं। अगर वो माफिया है, अपराधी है, बिल्कुल आज आज समय इतना ही है मेरे पास। पार्टी के लोगों को ठीक है, आप रबड़ी रबड़ी खिलाएं माफियाओं को। चलिए आज आज समय सिद्धार्थ जी इतना ही है, अब कार्रवाई करें, सबके ऊपर कार्रवाई कीजिए, निष्पक्ष कीजिए। चलिए आज समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आप जुड़े हमारे साथ, प्रहलाद जी आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी यूपी के बाद अब देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि ऐसी कार्रवाई अपराधियों पर होनी चाहिए लेकिन निष्पक्ष तरीके से हो, और साथ ही जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं प्रदेश के सूबे के, वो भी आगे बढ़ती रहें। नमस्कार।